तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को अगर देखोगे तो इस वाले सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक अपने पास प्रिज्म है, ठीक है ना। ये प्रिज्म है जिसकी एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो है वो 15 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। दिस इज द प्रिज्म ए, और ये एंगल अपने पास A1 जो है वो 15 डिग्री है। यहाँ पे मेड ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका नाम μ1 है, और μ1 जो है वो 1.5 में लिख लेता हूँ दिया हुआ। कंबाइंड अनदर ग्लास प्रिज्म, दूसरे ग्लास प्रिज्म के साथ कंबाइंड कर देते हो ये, दैट इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ से A2 ले लेता हूँ, और इसका जो म्यू है, μ2, वो है 1.75। यहाँ से कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ये हमें याद रखना कि डिस्पर्जन हुआ है, डेविएशन नहीं हुआ। डिस्पर्जन मतलब स्प्लिट हुई है पर डेविएशन नहीं हुआ। डेविएशन मतलब ये होता है कि अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं हुई, मतलब ये सीधी जा रही थी, तो फाइनली जो है सभी रे इन दोनों प्रिज्म से इसी लाइन के पैरेलल होगी, तभी तो नहीं डेविएशन होगा। अगर वो रे ऐसे मुड़ गई या ऐसे मुड़ गई तो डेविएशन हो जाएगा ना। तो फाइनली जो रे आएगी वो तुम देखोगे इस रे के अपने पास पैरेलल ही आएगी। तो जब आप पढ़े होगे कि जो यहाँ से प्रिज्म होता है और प्रिज्म में जब लाइट जैसे इंटर होती है तो सबसे कम जो डेविएशन होता है वो रेड का होता है, तो रेड ऊपर आएगा यहाँ से, और सबसे ज़्यादा डेविएशन वो वायलेट का होता है, तो वायलेट यहाँ आएगा, ठीक ना। तो अगर रेड और वायलेट फाइनली जब यहाँ से निकलेंगे सब, तो ये फाइनली इसके कुछ पैरेलल होगा। तो पैरेलल होने के लिए एक्चुअली ऐसे कुछ रेड और वायलेट ऐसे जाएगा, ये लाइन, ये वाली रे और ये वाली रे आपस में सारे पैरेलल है ये वाली रे, जिसे जो नेट डेविएशन है वो 0 है। तो अगर इसने जो है डेविएशन अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो पहला वाला प्रिज्म है वो लाइट रे को ऐसे मोड़ा है, क्लॉकवाइज मोड़ा है, देख रहे हो, ठीक है ना। समझ में आया, कुछ डीप कलर से समझा दूँ तुम्हें। तो यहाँ से तुम देखोगे जो पहला वाला प्रिज्म है उस लाइट रे को ऐसे मोड़ा है, इस डायरेक्शन में इसने बेंड किया है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज, और इसने जो बेंड किया लाइट रे को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नेट डेविएशन क्या है, 0 है। जितना इसने क्लॉकवाइज जनरेट किया उतना एंटी क्लॉकवाइज जनरेट किया, और नेट डेविएशन आ गया अपना 0। तो क्लॉकवाइज डेविएशन ड्यू टू फर्स्ट प्लस माइनस अपोजिट डायरेक्शन में माइनस दैट इक्वल टू 0, मतलब del1 इज इक्वल टू del2, ये सब आपस में बराबर है क्योंकि नेट डेविएशन कितना है यहाँ पे 0, और डेविएशन ड्यू टू थीन प्रिज्म μ-1 a के बराबर होता है। तो यहाँ से μ1 1 माइनस यहाँ से a1 बराबर होगा यहाँ से μ2-1 यहाँ से a2। तो यहाँ से फाइनली जो है a2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी μ1-1 और डिवाइडेड बाई यहाँ से μ2-1 और मल्टीप्लाइड बाई a1। तो μ1 कितना है, 1.5-1, और यहाँ से 1.75-1, और यहाँ से ये 15 डिग्री, तो यहाँ से 0.5 यहाँ से और 0. यहाँ से 75 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 15 डिग्री। अगर यहाँ से 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से, तो जो A2 आ जाएगा, A2 आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से 50 और यहाँ से 75 और यहाँ से 15, तो यहाँ से 15 पाँचे 75 और यहाँ से 50, दैट इज 10 डिग्री। तो जो A2 आ जाएगा वो 10 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन अपना सही है, ठीक है ना। थैंक यू।